क्चर वी हैव कवर्ड समर्टेंट न्यूज फ्रॉम द जून एंड जुलाई ओके सो लास्ट कुछ हमने जून एंड जुलाई जो फर्स्ट सेशन था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थे तो वो कवर किए थे ठीक है ये सगे yes, सब ऑनलाइन यस एवेल वन इज ऑनलाइन यस एम एडिबल प्लीज रिप्लाई रिप्लाई आई एम ए ऑडिबल यस ओके सो जस्ट रिप्लाई देन आई कैन स्टार्ट देन ओके ओके यस आई थिंक नाउ आई एम एडिबल ओके ठीक है सो चलो स्टार्ट करते हैं ना तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे टू स्टार्ट विथ दैम ओके सो मई एंड जून का सो स्लाइटली कुछ जून का करंट अफेयर्स बाकी है हमारा तो उतना पहले हम कवर कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद द मई करंट अफेयर्स ओके ओके चलो सो फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून ओके सो दैट इज एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम जैसे जो एक अनफॉर्चुनेट हॉरिफाइंग एक रिमाइंडर एक हमारे लिए था दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल ओके सो ये बहुत ही एक uh, मतलब uh, एक जो इवेंट हुआ था कि एलिफेंट्स इन द रूम या फिर जो डेथ हो जाती है ऑफ द एलिफेंट है ना जो कि कंज्यूम कर लेता है एक uh, जो पाइन एक होता है ना उसमें जो ब्लास्ट हो जाता है ना तो ऐसे एक हॉरीबल डेथ ऐसे पोचिंग या हंटिंग एक मेथड है तो ऐसे हॉरिबल डेथ यहाँ पे एलिफेंट की हो जाती है तो उसी रिगार्डिंग देखो यहाँ पे कुछ न्यूज़ में था कि वी आर इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द वाइल्ड लाइफ ऐसे कुछ यहाँ पे दिखेगा एंड उसके बाद कंपेंसेशन स्कीम फॉर फार्मर्स हु लूज क्रॉप्स टू द एनिमल्स ऐसे मतलब एक न्यूज़ ऑलरेडी हमने ये मतलब कवर की थी लास्ट सेशन में ये कवर किया था न्यूज़ कि एलिफेंट्स की जैसे ये डेथ हो गई थी ठीक है तो वो डेथ कहाँ पे हुई है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो हुआ था साइलेंट वैली नेशनल पार्क में तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में आ जाता है और ऐसे अगर करंट अफेयर्स में वहाँ पर दिया है मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन बन सकता है या फिर लाइट में अगर था बिकॉज एवरी वर्ल्ड के मतलब इंडिया के एवरी uh, मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट है या बहुत सारे लोगों ने इस पे uh, मतलब कंसर्न uh, शो किया था कि ऐसा जो इवेंट है तो वो होना नहीं चाहिए था ठीक है सो जो डेथ हो जाती है ऐसे जो uh, मतलब एलिफेंट है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके इशूज के रिगार्डिंग ठीक है तो फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि न्यूज में आ जाता है सो so, देख लेना कहाँ पे आता है सो इट इज इन द नीलगिरी हिल्स एंड एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द यस नीलगिरी बाय स्पी रिजर्व ओके सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रपोज करीम पूजा नेशनल पार्क एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड इट इज द कोर एरिया ऑफ द नीलगिरी बाय स्पी रिजर्व तो ये नीलगिरी बाय स्पी रिजर्व का कोर एरिया में आता है ठीक है सो so, याद रखना कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क की ये भी क्वेश्चन यूपीएस ने ऑलरेडी पूछा है कि ओवरऑल uh, नीलगिरी बायसपी रिजर्व में कौन से कौन से <clears throat> यहाँ पे सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क आएंगे तो यही पैटर्न में याद रखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड बाकी भी एक बार जस्ट ओवर कर लो मे बी लाइट में रहेगा तो इसलिए शायद क्वेश्चन बन सकता है ठीक है Then उसके बाद uh, अगर देखते हो मतलब वही साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे एकदम साउथ की तरफ आता है नीलगिरी के जो रिजर्व उसमें साउथ में उसमें अगर देखा जो ऊपर मुखुर्ती एक आता है uh, मतलब जो आपका नीलगिरी बायस रिजर्व उसका ही पार्ट है ओके okay, देन उसके बाद आप बांदीपुर भी एक देख सकते हो उस, उसी का पार्ट है तो ऐसे मल्टीपल एरियाज भी आपको जस्ट ओवरलुक करने चाहिए ठीक है 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 कि जैसे नीलगिरी रिजर्व तो उसके कौन से कौन से से पार्ट ओके हैलाई नेशनल पार्क मुखुर्ती नगर होल बांदीपुर साइलेंट वैली ओके एंड एज वेल एज वायनाड एंड सत्यमंगलम सेंचुरीज ओके वायनाड एंड सत्यमंगलम ये भी पार्ट किसका है यस नीलगिरी रिजर्व का तो, तो मे बी इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि देखो ये नीलगिरी बायोस्रिजो के कौन से कौन से पार्ट है तो इसमें से और कुछ ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देते जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था नार पेपारा शेंद्रूनी ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं बट दो तो स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग बिकॉज इतने ही पार्ट है ऑलमोस्ट सेवन के आसपास कुछ आते हैं तो उतने ही पार्ट हो गए नीलगिरी बायोस्रिजो के ओके सो क्लियर यहां तक सो कुंती पुजा रिवर यहाँ से फ्लो होती है याद रखना साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो होती है कुंती पूजा जो कि अगर देखा जाए नॉर्थ uh, uh, मतलब एंटायर 15 किलोमीटर की लेंथ है ऑफ द पार्क फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऐसे कुछ डिवाइड करती है एंड भरत पूजा को बाद में ये मर्ज हो जाती है ठीक है सो ऐसे आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे लुकआउट करना है एंड यहाँ पे जो uh, मतलब uh, जो की स्पीसीज है तो लाइन टेल मकाउज फेमस यहाँ पे जो कि एंडेंजर्ड में आते हैं ठीक है एनी नेक्स्ट न्यूज है वेदर डिजास्टर कॉजेज फिफ्टी लैक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन नाइनटीन सो ऐसे अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी सो ये लॉन्च किया गया था यह रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था तो सी एस सी के थ्रू पब्लिश हुआ है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ओके एंड द सी एस सी ऑल्सो पब्लिश डाउन टू अर्थ आपको शायद पता होगा जो कि जोग्रफी जो जिनका ऑप्शनल होगा उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा ये है ना तो डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है तो वो एक्चुअली कौन रिलीज करता है सी एस सी दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ओके सो पब्लिश इज द एन्वायरमेंट मैगजीन ऑल्सो एंड दैट इज अ डाउन टू अर्थ एंड सेकेंड uh, है कि ये uh, ये भी जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है तो वो सी एस सी के थ्रू रिपोर्ट रिलीज हुआ है दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इंडियाज एन्वायरमेंट रिपोर्ट ओके सो यहाँ पे देखो द रिपोर्ट कवर्ड दैट कवर्स द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वाटर सैनिटेशन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट भी यहाँ पे कवर होता है बहुत सारे एस्पेक्ट है जैसे कि डाउन टू अर्थ का देखो एन्यल स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट मतलब इंडियाज स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट जो ट्वेंटी ट्वेंटी रिपोर्ट है तो देखो यही सी एस सी के थ्रू डाउन टू अर्थ एनुअल की उसके जो मैगजीन है तो उसमें ये पब्लिश हुआ था और उसमें ये कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंसर्न मतलब कवर अप किए थे सो फ्लड्स एंड साइक्लॉन्स अगर देखा जाए तो मोस्टली इंडिया में सबसे ज्यादा फ्लड साइक्लोन एंड डॉट ये तीन बताए गए इसमें जिसमें ऑलमोस्ट लास्ट ईयर में फिफ्टी लाख तक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दीज डिजास्टर्स ओके सो उसके बाद अगर देखते हो फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी स्टेट ऑफ एब्सलूट वाटर्स तो ऐसे अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज होते हैं सो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट बिकॉज मे मे बी अप्रिल में इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है सो एट द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन द कंट्री नो साइंस येट टू अनलॉकिंग ट्रेड मतलब जो कोविड का इशू दिख रहा था आपको तो वहां पे होपफुली था कि यहाँ पे अनलॉकिंग हो बट नोट दैट फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कौन से uh, यहाँ पे पोर्ट uh, की बात चल रही है तो ऐट इज द एट द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट नो साइन येट अनलॉकिंग मतलब जो लैंडस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट लागे है इंडिया का वो आता है पेट्रापुल जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास आता है या वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश मतलब जो बांग्लादेश के बॉर्डर है या इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर है तो वहां पर आता है पेट्रापुल जो कि इंडिया की तरफ है एंड बेनापुल जो है उसके साथ जनरली इसका ट्रेड होता है तो बेना पुल इज टूअर्ड द बांग्लादेश ओके सो लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लैंड पोर्ट इन इंडिया ओके सो पेट्रापोल देख लो देखो एग्जैक्ट लोकेशन इसका यहाँ पे है ठीक है सो प्लीज़ वॉच केयरफुली ओके तो देखो ये पेट्रापुल एंड इसके ही थोड़ा सा इधर अगर आप जाओगे बांग्लादेश की तरफ तो वहाँ पे बेनापोल मिल जाएगा आपको ठीक है सो पेट्रापुल इंडियन पेट्रापुल बेनापुल रोड ऐसे कुछ चेक पॉइंट है तो वहाँ पर यह नॉर्दर्न परगना डिस्ट्रिक्ट में आता ही है ठीक है सो देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे वन वन टू ऐसे कुछ जाता है एंड इवन दो तो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए रेलवे भी यहाँ से एक फ्लो होती है दैट इज द बंधन एक्सप्रेस ओके बंधन एक्सप्रेस जो है तो वो भी यहाँ पे फ्लो होती है जो कि वीकली ऐसे कुछ फ्लो होती है ठीक है सो ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़े सा पढ़ते जाओ है ना तो मतलब जितना जो भी न्यूज़ में आए तो बस उसको ओवरलुक नहीं करना है तो उसमें जो भी पेट्रापोल वगैरह दिया है तो उसको पेट्रापोल को भी आपको एवरी एंगल से यहाँ पर रीड आउट करना है ओके सो एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट यस एनी क्वेश्चन यस एनी क्वेश्चन उन से if, if okay, <coughs> so, कुछ डेटा रिलीज हुआ है लीडिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो कि ट्राफिक के थ्रू एक रिपोर्ट रिलीज होता है बिगेस्ट इंक्रीज इन द रिपोर्टेड पोचिंग वॉज रिलेटेड टू द अंग थोड़ा सा देखते हैं हम बट पहले याद रखना कि पोचिंग ये लॉकडाउन के ड्यूरिंग क्या हुआ इंक्रीज हुआ ऐसे ट्रैफिक का कुछ रिपोर्ट है कि जो ऑलमोस्ट डबल हुआ है फोर्टी फोर परसेंट हुआ है जो कि प्री लॉकडाउन उन्होंने कुछ कैरी किए थे डेटा मतलब वो डेटाज प्लस नेक्स्ट डेटाज मतलब लॉकडाउन वाले डेटाज तो उसमें ऐसे दिखाया कि ऑलमोस्ट डबल हुआ है पोचिंग ठीक है सो उतना याद रखना अनग्यट्स मतलब क्या होते हैं कि देखो पॉलीफेलेक्टिक ग्रुप होते हैं जो कि प्राइमरी लार्ज मैमल्स विद द विद्स है ना तो ऐसे लार्ज मैमल्स होते हैं द इंक्लूड ऑट सच एज हॉर्सेस राइनोस तपीर्स होते हैं ना एंड इसमें देखो इवन टोर्ड अनगुलेट्स मतलब कैटल्स होते हैं जिसमें पिक्स है जिराफ से कैमल है डियर ऐसे कुछ बाकी भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ठीक है सो स्मॉल मैमल्स में भी अगर देखा जाए तो वैसे देखो स्मॉल मैमल्स इंक्लूडिंग हेयर्स वगैरह ऐसे कुछ आते हैं तो इसमें इंक्रीज हुआ है तो increase, तो <coughs> है ना तो देखो यहाँ पे द सेकेंड ग्रुप ऑफ द एनिमल वेर देर वॉज मार्क्ड इंक्रीज ठीक है तो स्मॉल मैमल्स है इंक्लूड हेयर्स प्रोक्यूपाइन पेंगुलीज से है ना तो इसमें इंक्रीज हुआ है एंड इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए सो so, जो इंडिया में टर्टल का मतलब uh, ऑलमोस्ट टर्टल का हंटिंग सबसे ज्यादा होता है या पोचिंग जो होता है बट अभी ये कुछ लॉकडाउन uh, डेज में ये कम हुआ है ठीक है सो so, उतना याद रखना देयर वाज अ लेस रिपोर्टिंग ऑफ द पोचिंग इ लीगल ट्रेड रिगार्डिंग द टॉटाइज एंड टर्टल्स ओके सो ऐसे यहाँ पर न्यूज़ में आता तो ट्राफिक मुझे लगता है देखो न्यूज़ में आ जाता है तो ट्राफिक थोड़ा सा देख लो ठीक है सो so, ट्रा ट्राफिक इज द इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क में इसका मेजर काम है इसका फॉर्मेशन हुआ था नाइनटीन सेवेंटी में ओके okay, ट्राफिक का हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो यूके सॉरी यूके में कैम्ब्रिज में आता है ठीक है यूके कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर है इसके प्रोडक्ट्स जो है ट्राफिक बुलेटिन या वेरियस रिपोर्ट ये है निकालते हैं पर ट्राफिक बुलेटिन ये फेमस एक रिपोर्ट है इसका सो नाइनटीन सेवेंटी में इट वॉज फाउंडेड इन द नाइनटीन एज अ एज अलायंस ऑफ द डब्ल्यू एंड आई के थ्रू uh, ये डेवलप हुआ है प्लीज नोट दैट ट्राफिक इज डेवलप अंडर द कोऑपरेशन ऑफ द डब्ल्यू एंड आई तो मे बी ये क्वेश्चन भी बन सकता है ठीक है तो किसके द्वारा ट्रैफिक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है फाउंडेड हुआ है ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आयु सी एन सो आयु सी एन देखो सॉरी uh, ट्रैफिक देखो और भी कुछ काम यहाँ पे करता है जैसे एलिफेंट है राइनोज है है ना लियोपर्ड्स है तो इनके स्पेशल प्रोग्राम भी रन करता है जैसे पेंगोलियन की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है या पोचिंग हंटी उनका जाद, बहुत ज्यादा हो रहा है जो कि मीट के लिए इनका जनरली इलीगल ट्रेड होता है तो इसी रिगार्डिंग ये प, मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक भी कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट करता है ठीक है तो ये न्यूज हमने कल भी देखी थी कि ऑयल स्पिल इन रशिया एज आर्टिक रीजन सो रशिया ऑयल स्पिल यूएस ऑफर हेल्प इन क्लीनिंग ह्यूज आर्टिक सर्कल स्पिल ओके तो ऐसे कुछ न्यूज था एंड अम्बरान्या रिवर हमने कल ही देखा है सो आई विल जस्ट स्कीम ओवर दिस टॉपिक ओके कि यहाँ पर अम्बरान्या रिवर हमने देखा है है ना तो ये कल ही हुआ है हमारा बहुत डिटेल में हमने लिया था लोकस के रिगार्डिंग भी कल ही देखा है हमने ठीक है सो आई विल स्किप दिस पार्ट ओके हाँ नाउ द न्यू न्यूज रहेगी तो एन जी टी होल्ड एल जी पॉलीमर इंडिया लाइबल फॉर द लॉस ऑफ लाइफ सो एन जी टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखो इंडिया में सो एन जी टी अगर देखा जाए तो ऐसे ही जो फाइन्स होते हैं एल जी पॉलीमर होगा या फिर जो बगजान ऑयल फील्ड रिसेंटली जो आसाम में इशू हुआ था ठीक है सो ऑयल ऑयल वेल ब्लो आउट जो हुआ था तो उसी रिगार्डिंग मेजर वर्क जो होता है मतलब डिफरेंट आपको फाइन लगाना या फिर जो कि कंपेंसेशन होगा है ना डिपॉजिट्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट तो वो एनजीटी के द्वारा किए जाते हैं ठीक है कंपेन्शन so uh, लगाया एल जी पॉलिमर इंडिया ठीक है जो कि तो रिगार्डिंग यहाँ पे फाइन लगाया था ठीक है सीपीसीबी टू क्लासिफाई रेलवे स्टेशन बेस्ड ऑन वेस्ट वाटर जनरेशन सीपीसीबी ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एस्टैब्लिश हुआ था वाटर एक्ट के अंडर फोर का वाटर एक्ट है उसके अंडर सी एस्टैब्लिश होता है एंड उसका फंक्शनिंग जो होता है तो एयर एक्ट के अंडर होता है ठीक है प्लीज नोट दैट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सी पी सी बी इज द एपिक्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल ओके सो इसलिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा सी पी सी बी का बैकग्राउंड चेक कर लो तो इसे ही सीपीसी बी ने क्या बताया कि जो स्टेशन हो गए रेड ऑरेंज ग्रीन ऐसे कैटेगरी करेंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट वाटर जनरेटेड ठीक है तो ऐसे कुछ कटेगरीज हो गए तो वो कैटेगरीज देखो अभी यहाँ पे आगे ठीक है so, जैसे रेड कैटेगरी में क्या होगा कि रेलवे स्टेशन जनरेट जनरेटिंग वेस्ट वाटर इक्वल टू मोर देन 100 किलो लीटर पर डे ठीक है 100 लीटर किलो किलो लीटर पर डे अगर ऐसा मतलब वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है तो वो आएगा रेड कैटेगरी में. ठीक है देन उसके बाद 10 किलो लीटर बट लेस देन 100 मतलब 10 टू 100 होगा तो फिर वो कहाँ पर आएगा ऑरेंज कैटेगरी में देन लेस देन टेन होगा के तो वो कहाँ पर आएगा ग्रीन uh, uh, इसमें आ जाएगा ठीक है सो ग्रीन जनरेशन में आ जाएगा ग्रीन ब्रांडेड उसको किया जाएगा ठीक है तो ऐसे कुछ नहीं बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है तीन लेवल्स में तो मे बी इस स्टेशन क्लासिफाइड जो है वेस्ट वाटर आउटपुट के अकॉर्डिंग ठीक है तो वो किसने किया सी पी ने किया है एंड उसके कैटेगरीज कौन से है तो उस कैटेगरी पे मे बी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूज यूजर सॉरी यू ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो कि इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा था सिक्सटीन सेवनटीन में ठीक है क्लाइबल कार्बन न्यूट्रल नाउ ठीक है ये कैटेगरी होती है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड में कार्बन न्यूट्रल नाउ ये अवार्ड लास्ट ईयर अगर देखा जाए नाइनटीन में लास्ट ईयर किसको मिला था इन्फोसिस को ठीक है इन्फोसिस हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड इन कार्बन न्यूट्रल नाउ कैटेगरी ठीक है तो ऐसे ऑलरेडी मतलब इसको मिला था अवार्ड बट इनका न्यूज़ में इसलिए इस साल क्योंकि इन्होंने जो टारगेट सेट किए थे कि हम ऐसे ऐसे मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे अप टू द ट्वेंटी ट्वेंटी बट वो टारगेट वो रीच नहीं कर पाए ठीक है तो इसलिए इन्होंने मतलब कोविड के इश्यूज उसमें रखे हैं कि कोविड इश्यूज की वजह से हम ये टारगेट देखो कोविड पैंडेमिक डिलेड इन द इन्फोसिस प्लान टू बी कार्बन न्यूट्रल कंपनी इन 2011 ओके okay, सो so ऐसे उन्होंने कुछ रखे थे यहाँ पे ऑप्शन की कार्बन न्यूट्रल इन ट्वेंटी ट्वेंटी बट हो नहीं पाया कोविड के इशूज की वजह से सो so अभी उन्होंने बताया कि द डिक्लेशन हैज बीन मूव टू द फिजिकल ईयर ट्वेंटी तो हम ट्वेंटी में अचीव करेंगे बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि न्यूज में जो आया कार्बन न्यूट्रल नाउ क्या है है ना तो ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा एंड इन्फोसिस को मिला मिला तो वो इस साल नहीं लास्ट ईयर था ठीक है सो द इनिशिएटिव इज स्प्रेड स्प्रेडेड बाय यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन सेक्रेटरी टू शाइन अ लाइट ऑन द एनॉर्मस ग्राउंड स्वेल ऑफ एक्टिविटीज अंडरवेज एक्रॉस द ग्लोब दैट आर मूविंग वर्ल्ड टूवर्ड हाईली रेजिलियट लो कार्बन फ्यूचर ठीक है तो लो कार्बन फ्यूचर ऐसे होना चाहिए जो भी कंपनीज होगी तो वो इमिशन uh, कम करेंगे है ना क्लाइमेट uh, में जो अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन अगर कम हो तो उसके लिए ये सब ट्राई करेंगे ठीक है सो इन्फोसिस मिसेज द कार्बन न्यूट्रल टारगेट इसलिए न्यूज में था बस इतना ही आपको यहां पे याद रखना है एंड कौन सा अवार्ड था जो कि उनको मिला था ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन कार्बन न्यूट्रल नाव कैटेगरी ओके नेक्स्ट न्यूज सो दैट इज द फर्स्ट एस्टिमेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन डिलगिरी इन रिसेंट ईयर्स ओके okay, तो जून इलेवन की ऐसी कुछ न्यूज है बिकॉज हम थोड़ा फास्ट अभी ले रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ रिविजन लाइक लेक्चर्स को जो आपको फास्ट आपको हर एक न्यूज जस्ट ओवरलुक हो करना जरूरी होगा यहाँ पे ठीक है सो इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहे हैं हम ठीक है सो देखो कि ऐसे फर्स्ट एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन नीलगिरी इन रिसेंट ईयर्स तो ऐसे फर्स्ट सेंसस यहाँ पे कैरिड आउट किया गया इंडियन गौर या इंडियन बाइसन भी इसको कहा जाता है द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन ओके जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में हुआ है एंड ऑलमोस्ट इस्टिमेशन ऐसे कि टू थाउजेंड तक यहाँ पे इंडियन uh, मतलब गॉर्स हो गए नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में ठीक है तो मोस्टली uh, इनमें कुछ uh, मतलब ये जो आउटकम uh, है इसके मतलब प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स ऐसे भी है मतलब सेंसस के की पॉइंट ऐसे भी आए कि इनका मेजर हैबिटेट उनके हैबिटेट के बाहर आपका दिख रहा है ठीक है मतलब इंडियन गॉर्स आर प्रेफरिंग दियर हैबिटेट आउटसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे प्रेडेटर का उनको एक डर है एंड फूड अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती है आउटसाइड में ठीक है तो टी ए स्टेट वगैरह से देखो ह्यूमन सेटलमेंट को ज़्यादा ये प्रेफर कर रहे हैं लैक ऑफ थ्रेड फ्रॉम द प्रेटर एंड स्प्रेड ऑफ द इन्वेजिव फ्लोरास्पीसीज एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ़ द फूड ठीक है तो इस वजह से ये क्या हो रहा है कि बाहर के एरिया में मोस्टली प्रेफरेबल उनको कर रहे हैं मतलब मोस्टली हैबिटेट वो प्रेफर कर रहे हैं बाहर की तरफ सो इंडियन गोर देखो बाइसन जिसको कहा जाता है जो कि वेल्नरेबल कैटेगरी में आता है आयु के ठीक है साइड्स के अपेंडिक्स वन में आता है ठीक है एंड सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता ये नेटिव टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो ठीक है तो ऐसे भी एग्जाम पूछ सकती है कि सिर्फ ये इंडिया में इंडियन गौर है तो इंडिया में ही मिलेगा ऐसे शायद हो सकता है क्वेश्चन बट प्लीज नोट दैट ये साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है ओके okay? देन उसके बाद इट इज डिक्लाइन बाय मोर देन सेवेंटी परसेंट ड्यूरिंग द लास्ट थ्री जनरेशन एंड ऑलमोस्ट एक्सटेंड भी हो गया श्रीलंका में ठीक है एंड प्रोबेबली ऑल्सो इन द बांग्लादेश ठीक है तो ऐसे बहुत ही बड़े इशूज यहाँ पे चल रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन ये बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है या फिर इनका पॉपुलेशन को थ्रेड बहुत है तो इसलिए हमने इंडिया ने भी इसको सेंसस करके काउंट कर लिया कि कितने कितने कहाँ पे अभी बचा है ठीक है अभी उसका कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा सो so, इंडिया में वायनाड नगर होल मुदुमलाई बांदीपुर है ना ये ऐसे लोकेशन पर भी मिलते हैं बट मेजर हैबिटेट उनका नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन है ठीक है नेक्स्ट न्यूज है मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग स्पॉटेड एट पुल्लड़ तो अभी देखो वैसे तो ये फ्रॉग वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट मलबा रीजन यहाँ पे अगर न्यूज़ में आता है एंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न हाँ बट ये है कि अगर ये फ्रॉग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग कि जो कि एंडेमिक टू इंडिया है ये बाहर नहीं मिलेगा सिर्फ इंडिया के जो मलबार रीजन है तो वहाँ पर मिलता है ठीक है सो मलबार अगर न्यूज़ में आता है तो मलबार पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है वैसे तो यूजअली बहुत सारे रेफरेंस बुक में मलबार मतलब कर्नाटक एंड केरला कोस्ट बताया जाता है बट केरला के कोस्ट का को और एक नाम है अलग से दैट इज़ कारवार कोस्ट ओके प्लीज नोट दैट कारवार कोस्ट ओके एंड मलबार कोस्ट जो है वो केरला कोस्ट को मलबार कोस्ट कहा जाता है ठीक है तो उतना ऐसे अलग से याद रखो एंड बाकी तो आपको पता ही होगा कोंकण कोस्ट फॉर द महाराष्ट्र गोवा कोस्ट फॉर द गोवा देन उसके बाद जो कि गुजरात है तो गुजरात कोस्ट ही रहेगा उड़ीसा में उत्कल कोस्ट ओके okay? देन उसके बाद वेस्ट बंगाल सुंदरबन एंड दिस uh, तमिलनाडु कोस्ट इज द कोरोमंडल कोस्ट ओके okay? एंड आंध्रा को तो आंध्रा कोस्ट ही कहेंगे तो अलग अलग कोस्ट के नाम थोड़ा सा याद रखो मे बी इस पर भी कुछ पता नहीं क्वेश्चन बन सकता है ठीक है सो so क्लियर यहां तक सबको यस एवरी वन अंडरस्टूड यस यस एवरी वन अंडरस्टूड प्लीज रिप्लाई यस सबको समझ रहा है यस yes, कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग यस नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज बट पहले आपको रिप्लाई करना है ठीक yes, okay, है चलो स्टार्ट करते हैं आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है ठीक है सो so, वंधन योजना ट्राइबल बीट्स ऑर्ड्स ओके सो वंधन योजना इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द ट्राइबल अमिड पैंडेमिक ओके तो ऐसे एक आ, मतलब पैंडेमिक जो है तो उससे डील करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये ठीक है सो देखो ऑलमोस्ट वंधन योजना ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड लॉन्च द वंदन योजना इन 2018 ओके okay, सो so 18 में ऐसे कुछ वंदन योजना लॉन्च हुई थी ठीक है कि जो किसके अकॉर्डिंग थी कि जो ट्राइबल पीपल जो भी यहां पे जनरेट करेंगे उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको एक प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए मार्केट में तो ऐसे ही अगर एक केस देखा जाए आपको ये मेंस में भी काम में आ सकता है तो ऐसे ही केस एक हुआ था कि जो लांगलिंग कम्युनिटी है नागालैंड में तो उनका अगर ग्रासब्रूम देखा जाए मतलब जो फूल झाड़ू जिसको हम बोलते हैं ना तो ये ग्रासब्रूम्स भी कहा जाता है उसको या टाइगर ग्रास जो होती है या ब्रूम ग्रास है ना तो ऐसे जो फूल झाड़ू है तो उसको प्राइस ओनली सेवन पर के मिलता था बट उनको मतलब अगर वही मतलब ट्राईफेड के हेल्प की वजह से क्या हुआ ट्राईफेड एंड वंधन योजना के वजह से अगर देखा जाए तो क्या हुआ यहाँ पे कि मेकिंग द ग्रास ब्रूम्स विद द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द वंधन योजना एंड दे नाउ अर्न सिक्सटी पर ब्रूम मतलब उसका उन्होंने प्रोड्यूस किया फिर उसके प्रॉपरली जो यूजफुल ऐसे कुछ होता है प्रोड्यूस वो क्रिएट किया उन्होंने एंड नाउ दे आर गेटिंग अ वेरी वेरी बेटर वैल्यू फॉर दैट ओके तो ऐसे इसको बेनिफिट इनको मिले ठीक है तो प्लीज़ याद रखना कि ऐसे बेनिफिट्स अगर इनको मिल रहे हैं तो आप ये इसको आ, मतलब मेस में भी आप इसको ऐसे न्यूज़ को मतलब लिख सकते हो ठीक है या एज अ के स्टडी इसको लिख सकते हो कि इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई स्कीम का सो so, टाइफ लॉन्च द वन धन योजना तो वही बंधन फॉरेस्ट वेल्थ जिसको कहेंगे हम फॉरेस्ट वेल्थ बांबू वगैरह वे के रिगार्डिंग या मोहा लड्डू है या फिर अम्बला बुरम्बा है ठीक है ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स रह गए हर एक स्टेट वाइज हर एक ट्राइबल के एरिया वाइज तो हिल ब्रूम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में आया था कि यूनिक हिल ब्रूम ग्रास जस्ट सात रुपये को जाती थी बट अभी वो सिक्सटी को जा रही है तो ऐसे कुछ यहाँ पे न्यूज़ में था तो फुल झाड़ू देखो ये क्या होता है कि एक ग्रास है पेरिनियल ग्रास है जो कि आसाम में आसामीज इट कॉल्ड एज अ फुल झाड़ू एंड टाइगर ग्रास भी इसको कहा जाता है सो so, इसमें अगर देखा जाए तो इको फ्रेंडली एक बायोडिग्रेडेबल बोल सकते बिकॉज आज जो भी आप ब्रूमगास जिसको बोलते हैं या फिर आ, जो ब्रूम्स होते हैं जिनको हम जनरली झाड़ू बोलते हैं ना तो ऐसे अगर देखा जाए तो, तो वो प्लास्टिक क्यों होता है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं रहेगी ठीक है बट अभी इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो दे आर डेफिनेटली गिविंग अस अ सोल्यूशन दैट इज इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल तो बाय स्वीपिंग योर होम इन द मॉर्निंग विद द ग्रास ब्रूम यू ऑल्सो वाइप आउट द निगेटिव ऐसे भी कुछ कहा जाता है है ना तो रेडियस सॉइल इरोजन भी है बाकी भी यूज है इसके ये ग्रास के फोर्डर फॉर द कैटल वॉल बिल्डिंग मटेरियल रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्री है ना कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पे अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा मतलब मेघालय में कार्बी एंगलोंग जो प्लाटो है तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका यहाँ पे होता है कार्बी एंगलोंग प्लाटो में ठीक है तो ऐसे ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस पार्ट ओके सो क्लियर है सबको ये न्यूज समझ रहा है सबको ओके <coughs> ठीक okay. है एनी एनी क्वेश्चन यस एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टाइगर ग्रास और ग्रास ग्रासम्रूम आई नो आपको थोड़ा सा ये राइट में जो भी पर्सन है वो नहीं दिख रहा है बट इट्स ओके आपको नार। ये पिपरीज बाद में शेयर किया जाएगा है ना आपको आ, जो मेरा अनएकेडमी चैनल है तो यहाँ पे जो चैनल है तो अन अकेडमी पर आप नॉर्मली सुमित पोंडे आप टाइप कर सकते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट पी वगैरह मिल सकते हैं ठीक है ओके सो okay. so, देखो वंदन स्कीम जो कि मतलब ऐसे कुछ रीजन्स में हमने ऑलरेडी लॉन्च किया था तो वंदन योजना देखो ट्राईफेड 2018 में कुछ लॉन्च किए गए थी ये ट्राइफेड के थ्रू ओके विथ एन इंटेंशन टू इंप्रूव द ट्राइबल इनकम थ्रू द वैल्यू एडिशन ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स मतलब ट्राइबल प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर वैल्यू देना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है ठीक है तो स्किल अपग्रेडेशन ये बाकी भी फैक्टर्स है इसमें ट्रेनिंग वगैरह तो नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी अगर इसके देखा जाए तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ओके देन सेंट्रल लेवल पर ट्राइफेड ही है नोडल एजेंसी ट्राईफेड आएगा है ना तो सेंट्रल लेवल पे नेशनल लेवल पे uh, मतलब ये मिनिस्ट्री के अंडर अगर देखा जाए तो सेंट्रल लेवल वगैरह मतलब एक अपेक्ष इसका कौन है ऊपर सो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल लेवल पे कौन है फिर ट्राइफेड आएगा देन उसके बाद स्टेट लेवल पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो यान यूनिट लेवल पे एसएचजी मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए तो अप्रॉक्स थर्टी मेंबर्स के आसपास होते हैं तो वो उसका पार्ट हो गया देन देखो ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेशन ओके ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो इसको ट्राइफेड कहा जाएगा ठीक है सो ट्राइफेड Uh, अगर देखा जाए तो द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया ट्राइफेड इन 1987 ठीक है तो 1987 में इसको लॉन्च किया गया था ट्राइफेड को सो so, इसका मेन मोटो तो वही है है ना तो रिटेल मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स क्लियर रिटेल मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ एम मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेवलपमेंट ठीक है तो ये एक रहेगा मतलब दो वही मेजर से जो हमने केस स्टडी के थ्रू आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ है पूरा ठीक है नेक्स्ट न्यूज इज द लोनार लेक हाईकोर्ट सिक्स रिपोर्ट ऑन कलर चेंज तो सबने देखा होगा ये लोनार जो कि महाराष्ट्र में एक लेक आता है बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में जो कि क्रैटन लेक भी कहा जाता है इसको आस, मतलब एस्टोराइड कोलैप्स होने के बाद ये कुछ बना था देखो क्रिएटेड बाय एन एस्टोराइड कोलिजन ठीक है तो इसका पहला कलर कुछ ऐसा था और अभी ऐसा कुछ कलर हुआ है ठीक है तो ये कलर वैसे देखा जाए तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे थे उस एक्टिविटीज के डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे कलर वगैरह चेंज हुआ है ऐसे बताया जा रहा था ठीक है तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ नीरी एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो इनकी इनके थ्रू अगर देखते हो आप ठीक है तो इनके थ्रू ये लॉन्च किया गया था या फिर इनका मतलब जो स्टडी किया गया था ये रिपोर्ट जो निकाला निकाला गया रिपोर्ट जो लॉन्च किया गया तो ये इट इज़ लॉन्च बाय द नीरी एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सॉरी हाई कोर्ट के डायरेक्शन से हुआ था नागपुर बेंच जो है उनका तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन से हुआ है सो हाइपर वेलोसिटी इन द इम्पैक्ट क्रैटर इन द बसाली रॉक ऐसे सलाइन एंड अल्कलाइन नेचर है उसका ठीक है तो ये बस टेंटेटिवली देख लाना न्यूज क्या है एंड नीरी अगर न्यूज़ में आता है तो नीधी आपको डिटेल में पता होना चाहिए जो कि सीएसआर की ब्रांच है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सीएसआर की ब्रांच है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नागपुर में नाइनटीन में ठीक है देन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है नीरी स्पाइनियर लेबरेट्री ओके तो वो सी एस आर में आएगी एंड नीरी हैज़ फाइव जोनल लेबरेटीज ऑल्सो कि चेन्नई दिल्ली यहाँ पे भी आते उसके एंड मुंबई वगैरह एक्सेट्रा में ठीक है so, सो बट याद रखना है इसका हेडक्वार्टर जो है तो नागपुर में कुछ इसका यहाँ पे या इस्टेब्लिशमेंट उसका नागपुर में हुआ है ठीक है नाइनटीन में बहुत पुरानी है ठीक है सो लीडरशिप इन द एवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे कुछ उसका मेजर वर्क है ठीक है और ये नीरी फॉल्स अंडर द विच मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ठीक है तो ये साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर आता है ठीक है तो नीरी के रिगार्डिंग बस पढ़ लो थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा ठीक है सो so, जैसे इंस्टीट्यूट कोई आती है तो मुझे लगता है उसके डिप में आपको जाना चाहिए ठीक है विथ थ्री थर्टी फोर स्पीसीज गुवाहाटी डीडिफाइंस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन जंगल ठीक है तो ऐसे कुछ अर्बन जंगल आसाम में गुवाहाटी में ऐसे कुछ चल रहा है ठीक है कि मतलब वहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल वगैरह करने वाले हैं ट्वेंटी थर्टी तक ये अर्बन एरिया बहुत अच्छा इनका इनक्रीज़ हो रहा है द स्टेस ऑफ द रिवर गैनजेटिक रिवर डॉल्फिन विच हैज स्टेटस ऑफ सिटी एनिमल मतलब गैन्जेज रिवर डॉल्फिन यहाँ पे सिटी एनिमल भी इनके गुहाटी के ठीक है तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ आए थे ठीक है तो दिटी हाउस कट एटीन हिल्स है एट रिजर्व है तो एनरिचमेंट बताया था मतलब कितनी एनरीच है तो वैसे देवपार बिल भी उसमें डिस्कशन में था तो देवपार बिल देखो कि लोकेटेड ऑन द इन द गुवाटी ठीक है तो बिल को बिलाबोंग या वेटलैंड जो होते तो उसको बिलाबोंग भी कहा जाता है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक फार्मर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर टू द साउथ ऑफ़ द मेन रिवर एंड बैसिस्टा एंड कलमानी ऐसे भी रिवर आते हैं यहाँ पे ठीक है तो देखो अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक ही है ठीक है परमानेंट फ्रेश वाटर लेक ओके इन अ फॉर्मर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर तो टू द साउथ ऑफ़ द मेन रिवर मतलब ये रिवर के साउथ में मतलब ब्रह्मपुत्रा के साउथ में ये पार्ट आता है सो इसको वेटलैंड भी एक देवपार भी है वेटलैंड के अंडर भी आता है रामसर कन्वेंशन के तो वो भी याद रखो एंड आई बी एस साइड भी है अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ठीक है तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बर्ड साइड भी आती है बर्ड एरिया भी आता है ठीक है तो देवपार बिल बस देख लेना न्यूज़ में था तो मे बी ऐसे बिल्स है बिलो बॉन्ग्स पे या लेक्स पे कभी क्वेश्चन बनते हैं वेटलैंड पे भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं ठीक है सो एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट नी क्वेश्चन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन ओके ठीक है सो so, नेक्स्ट देखते हैं सो क्लाइमेट रिपोर्ट प्रेडिक्स हॉटर एंड एनर डेज ओके सो ऐसे ही कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आया था ठीक है जो कि आई आई टी एम पुणे के बेस्ड ऑन द क्लाइमेट फोरकास्टिंग मॉडल पर रिपोर्ट डेवलप किया था इंडिया नेशनल फोरकास्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट इन द कमिंग सेंचुरी है ना तो जो भी ग्लोबल इंपैक्ट है तो उसी रिगार्डिंग ये रिपोर्ट रिलीज हुआ था द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्यूचर वार्मर डेज एंड वार्मर नाइट्स आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय फिफ्टी फाइव परसेंट एंड सेवेंटी परसेंट रेस्पेक्टिवली ठीक है तो ऐसे कुछ चेंज हो सकता है ऐसे वहां पर बताया गया था ठीक है तो ऐसे ही मतलब आ, कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे क्लाइमेट रिपोर्ट आई के थ्रू एंड विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रिपोर्ट इंटर आई का कुछ एक्सपेक्टेड टू बी रेडी इन द ट्वेंटी मतलब सेम इशूज पे आई का जो नेक्स्ट वर्जन होगा नेक्स्ट रिपोर्ट होगा सेवंथ रिपोर्ट होगा जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू में लॉन्च होगा ठीक है तो देखो आईएमडी अगर न्यूज में आता है तो आईएमडी भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए का इसका फॉर्मेशन है मतलब ब्रिटिश टाइम से ही है एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है आई जो कि देखो मेट्रोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग एंड सेस्मोलॉजी ये भी इसका वर्क है मतलब जो भी अर्थक्वेक जोन से इसमें मेंशन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव जोन से देखो अर्थक्वेक के सेस्मिक जोन्स तो फाइव सेस्मिक जोन जो नोट किए तो वो किसने किए आई के थ्रू होते बा, बाकी तो आपको पता ही है आई का मेजर वर्क मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग आएगा ठीक है सो एम डीज हेडक्वाटर इज़ इन दिल्ली ठीक है हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है दिल्ली में एंड इसके रीजनल ऑफिसेज भी uh, मतलब वहाँ पे रह कि चेन्नई गुवाहाटी वगैरह जो है या डेप्यूटी uh, मतलब ऐसे कुछ रीजनल सिक्स रीजनल ऑफिस है इसके तो वो भी थोड़ा सा एक बार और लुक करना है मुंबई वगैरह नागपुर न्यू दिल्ली तक आता है ठीक है तो बट हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे दिल्ली में है ठीक है प्लीज नोट दैट एंड उसके बाद आर का भी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उसका आर सेंटर ये कौन है आई है ठीक है सो आई एम डी इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्स आर ओके रीजनल रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये भी एक नोट करना ठीक है देन उसके बाद आई एम डी कोलाबरेट्स विद द अदर एजेंसीज लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में जो आता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसके साथ भी इन्होंने कोलाबेशन करके रखा है ठीक है तो ऐसे अलग अलग याद रखो सब चीज़ें मुझे लगता है ये सब आई के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है तो सेसमोलॉजी एक याद रखो बस सेसमोलॉजी एक अलग से है यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स को कुछ अलग मिनिस्ट्री लग सकती है या फिर अलग इंस्टीट्यूशन लग सकती है सेस्मोलॉजी के रिगार्डिंग बट आई के अंडर ही आता है सेस्मोलॉजी ठीक है देन असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लो आउट ओके तो ऑलरेडी हमने ये न्यूज वैसे बहुत बार कवर किया था कि बगजान में जो आसाम में एक बगजान एरिया है तो वहां पर तीन सुखिया डिस्ट्रिक्ट मतलब ठीक है तो तीन सुखिया डिस्ट्रिक्ट में बगजान ऑयल फील्ड है तो वहां पर वेल ब्लो आउट हो गया ठीक है एंड ये कौन सी कंपनी थी यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड ओ आई एल ऑयल इंडिया लिमिटेड यह कंपनी है सो अ टीम ऑफ टेरी मीन्स द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ओके तो ये यहाँ पे रिलीज होती है एंड उनका पूरा मतलब सर्वे कर लेते हैं तो देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ द डेथ ऑफ द रिवर डॉल्फिन मतलब डॉल्फिन रिवर की भी मतलब रिवर डॉल्फिन जो है तो उसकी डेथ होती है फैन तो उसके बाद बहुत सारे फैमिलीज वगैरह यहाँ से इवैक्यूएट करने पड़ते हैं तो ये पूरा सर्वे हो जाता है कि कैसे कैसे लॉसेज हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड ऑल ऑलमोस्ट नौ सौ मीटर पर ही है डिब्रूसाइक्वाज नेशनल पार्क है तो उसके सिर्फ नौ सौ मीटर पे आता है ठीक तो है तो इसको भी थ्रेट होने के चांसेस है मागोरी मोक्ंग मोतापुंग ऐसे सॉरी मागोरी मोतोपुंग ऐसे कुछ वेटलैंड है तो उसको भी थ्रेट होने के चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं ठीक है तो ऐसे देखो दिब्रु साइकोआ जो कि देखो मतलब ब्रह्मपुत्र उसके नॉर्थ में आती है नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र है एंड साउथ में कौन सी रिवर है दिब्रू रिवर है ठीक है दिब्रू इन द साउथ एंड ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ तो इसके बीच में आता है दिब्रू साइकोआ नेशनल पार्क ओके तो ये थोड़ा सा याद रखो ठीक है देन उसके बाद इसके पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हुए ऑयल के रिगार्डिंग ठीक है बट जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट आप लगा तो इसको स्क्रीन शॉट लेके आप बाद में पढ़ भी सकते हो बिकॉज हम उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते ठीक है थीके? तो हमें थोड़ा मैक्सिमम न्यूज़ कवर करना है तो डिब्रू शैखावा नेशनल पार्क देखो अगर न्यूज़ में आता है तो मे बी एग्जाम पूछ सकती है सो द पार्क इज बाउंडेड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड लोहित रिवर इन द नॉर्थ मतलब इसके देखो कि डिब्रू शैखावा जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में बताया कि ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित है है ना नॉर्थ की तरफ ब्रह्मपुत्रा एंड रोहित नॉर्थ की तरफ है एंड डिब्रू रिवर कहाँ पे आती है साउथ की तरफ तो डिब्रू साउथ है एंड नॉर्थ में कौन सी है ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर है सो so, दिब्रू साइकोआ इज अ सॉरी डिब्रू अ नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्पी रिजर्व so, सो ईस्टर्न मोस्ट बायोस्पी रिजर्व ऑफ इंडिया इज द डिब्रू साइआ याद रखना डिब्रू साइआ जो है तो ईस्टर्न मोस्ट बायोस्पी रिजर्व आता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं मतलब वैसे भी टोटल एटीन ही बायोस्पी रिजर्व है इंडिया में तो डेफिनेटली अगर न्यूज में आता है कोई बायस फ्रिज हो तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं ओके एंड ये साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित याद रखना ठीक है साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित एंड नॉर्थ ऑफ दिब्रू रिवर इसके बीच में ये लॉक्ट है ठीक है एंड इंपॉर्टेंट बर्ड साइड भी है ये नोटिफाई किया है बी या फिर जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी याद रखो ना मतलब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी इन्होंने मिलकर इसको किया आई जनरली ए साइड जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट ये कौन मतलब डिक्लेयर करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ओके तो इनके थ्रू ये डिक्लेयर हुआ है ठीक है देन देखो BNHS क्या है एक्चुअली ये बहुत ही पुरानी ब्रिटिश टाइम टाइम्स मतलब ये इंस्टीट्यूट है एटीन एटी से आपको दिखेगा ठीक है जिसका मेजर मोटो अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन द कंजर्वेशन एंड बायोडासीटी रिसर्च ओके okay, तो इसमें ये इंगेज है इसका बॉम्बे में कुछ आ, मतलब एक हेडक्वार्टर आता है इसका मतलब हेडक्वार्टर इन द सेंस एक ही ऑफिस जो है इसका मतलब ये सोसाइटी जो है तो इसका ऑफिस जो है तो ये बॉम्बे में ही आता है एंड इसका जो लोगो है तो वो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है दैट इज द हॉर्नबिल्स ग्रेट हॉर्नबिल इसका लोगो आता है ठीक है तो इसी बार हॉर्नबिल्स का पॉपुलेशन एक पक्के टाइगर रिजर्व में कम हुआ है ऐसे कुछ न्यूज़ थी पक्के या फिर जिसको पखुई कहा जाता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ थी पक्के पखुई पक के ठीक है तो वो न्यूज़ भी थोड़ा सा देख लो कि जिसमें उन्होंने बताया था कि पक्के पखई जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ, जो टाइगर रिजर्व आता है तो वहाँ पे भी मतलब उसका फॉरेस्ट एरिया है तो वो अभी डिक्रेन हो रहा है बहुत दिनों मतलब देखा जाए तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है रोड बन रहे हैं तो उसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है तो उसी वजह से हॉर्नबिल्स के जो नंबर्स है वहाँ पे कम हो रहे हैं तो उसी न्यूज़ में द हिंदू में बताया था कि फोर प्लस फोर प्लस वन ऐसे टोटल नाइन स्पीसीज इंडिया में हॉर्नबिल्स के मिलते हैं कि फोर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली इन द पखई वगैरह ठीक है फोर आते हैं वेस्टर्न घाट में एंड वन आता है नारकोंडम ओके okay, जो कि कहाँ पे आता है नारकोंडम इन द अंदमान निकोबार आइलैंड ठीक है अंदमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप में जो नारकोंडम है तो वहाँ पे नारकोंडम हॉर्नबिल ऐसे एक फेमस है ठीक है तो ऐसे टोटल नाइन स्पीसीज थे जो कि स्पेम मतलब है नाइन स्पीसीज है हॉर्नबिल्स के तो जो जिसपे क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकता है तो नारकोंडम जो है वो एंडेमिक टू इंडिया है ठीक है उतना याद रखना ठीक है तो बहुत सारे इसमें एंडेमिक भी आते हैं हॉर्नबिल्स ठीक है तो हॉनबिल्स के रिगार्डिंग देख लो पक्के पक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉन बिल्स के रिगार्डिंग ठीक है अरुणाचल प्रदेश में जो आता है वो ठीक है पक्के पक अरुणाचल प्रदेश इसको अवार्ड भी मिला उसके रिगार्डिंग उसका बेस्ट कंजर्वेशन के लिए तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा है ना आप जितने भी थोड़े शॉर्ट शॉर्ट हम वीडियोज बनाएंगे और उसी रिगार्डिंग आपका नेक्स्ट आ, मतलब जो सेशन होगा तो उसमें हम रिमेनिंग न्यूज़ कुछ कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने सेलेक्ट किए यहाँ पर बिकॉज हर एक न्यूज़ देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सो so, uh, यहाँ पे मैंने बस सिलेक्टिव न्यूज यहाँ पे कुछ क्रिएट किया और वही सिलेक्टिव न्यूज़ हम यहाँ पे जितना फास्ट हो सकता है उतना कवर करेंगे बिकॉज आपको मैक्सिमम न्यूज़ आपके हिट हो जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज है मैक्सिमम न्यूज़ है तो वो आपके हिट हो जाए यही मेरा पर्पज़ है ठीक है तो प्लीज़ अटेंड दिस सेशन वॉच ऑल दी वीडियोज रिगार्डिंग दिस सीरीज ओके जो कि uh, मतलब हम पूरा एनवा द हिंदू में जो न्यूज आते तो वो पूरे कवर कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है जबकि मैगजिमम क्वेश्चन द हिंदू से ही पूछे जाते हैं ठीक है थीके? सो ओके देन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू ओके सुकल मिलते हैं